और मैं आज देखा इतना अच्छा माहौल उन्होंने बनाया, मैं तो चाहूँगा कि भाई जियो देवा, तुम जियो हजारों साल, हम भी तुम्हारे साथ हैं। असं काही नाही की बदलला, पण ते देवानी जो काय कार्यक्रम आज घडून आणला त्याचा स्तुत्य असं त्यांनी ह्या ठिकाणी कार्यक्रम घडून आणलेला आहे। 2022 के आने वाले कलयुग जनता के बीच किस तरह से जाएगी और देवानंदा को किस तरह उसमें उनको भी किस तरह का रोल वहाँ पे। अभी क्या है, क्या आने वाला इलेक्शन में हमने देखा है कि हमारी बॉम्बे में ताकत बहुत कम है, राष्ट्रवादी की ताकत बहुत कम है। हम लोग तो पश्चिम महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में हम लोग चाहते हैं, लेकिन अजय दादा साहब दादा बोलते हैं कि भाई ज्या वेळेस नवीन मुंबईचा पूर लागला तर तिथून आमची गळती चालू होती, तिकडे चांगलं आहे आमचं, अशा प्रकारे दादाचं देखील म्हणणे। आता आपण आम्ही काय करतो, जे असंघटित लोक आहेत ज्याचं कुठं संघटन नाही, अशा लोकांना संघटित करण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत। त्याच्यानंतर तुम्ही पाहिलं असेल की जे लोक फिल्म लाईनमध्ये काम करतात, फिल्म लाईनमध्ये, तर आमच्याकडे देखील सांस्कृतिक मंडळ म्हणून एक विभाग आहे, परंतु जे लोक आता लाईटमध्ये काम करतात, जे लोक कॅमेराचे असिस्टंट लोक आहेत, जे लोक आर्ट डायरेक्टरमध्ये आहेत, जे लोक साऊंडमध्ये आहेत, जे लोक डॅन्समध्ये आहेत, अशा लोकांचं काय का होत नाही, परंतु ह्या माध्यमातून कमीत कमी आम्ही त्या कामगार लोकांचा 1-1 लाख रुपयाचा जीवन विमाचा गट विकास जो काय विमा आहे तो करायचा आमचा विचार आहे। आज काय होतं आहे की जेवढे असोसिएशन आहेत, मी ज्या फिल्म लाईनमध्ये काम करणारा माणूस आहे, मी देखील 7.5 वर्ष फिल्म लाईनमध्ये ॲज ए असिस्टंट साऊंड रेकॉर्डर्स म्हणून काम केलेलं आहे, आणि त्या माध्यमातून त्या टायमाला बऱ्याचशा टायमाला आमच्याकडून ॲफिडेविट घेतला की तुम्ही 5 जे काही फिल्म केले असतील त्याचं पूर्ण आम्हाला हे द्या, लेखाजोखा द्या, त्याचं नाव, तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे का, तुम्ही पर डेवर काम करता, हे सर्व झाल्यानंतर आम्हाला त्या ठिकाणी रूम देणार होते। पण आतापर्यंत कोणी काही कुठल्या प्रकारचं रूम वगैरे किंवा एखाद्या फिल्म लाईनवाल्याला भेटला असेल असं मला काही आठवण याच्यामध्ये नाही, परंतु आज आमचा फिल्म लाईनमध्ये काम करणारा माणूस महिन्यातून कधी 2 दिवस भेटतात, कधी 10 दिवस भेटतात, कधी कधी काहीच भेटत नाही। जशी मनरेगा आहे, मनरेगामध्ये महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना अशा प्रकारची योजना ह्या लोकांसाठी लावायचा मी प्रयत्न करणार, का मी स्वतः पाहिलं आहे फिल्म लाईनमध्ये काय काय होते, काय काय नाही। बिचारा ज्या टायमाला त्याची शूटिंग असतो तो फार मजेमध्ये असतो, ज्या टायमाला तो शूटिंग नसेल तो बिचारा फार दयनीय परिस्थितीमध्ये असतो, हे मी स्वतः डोळ्याने पाहिलं। म्हणून आणि येणाऱ्या काळामध्ये देवाने देखील चांगलं काम करावं, आता आजच नबाबाई मलिक बरोबर भेट झाली आणि त्यांना कुठला शब्द कानमंत्र दिला ते मला माहीत नाही, परंतु देवा हा माझ्याबरोबर राहणार आहे, मी त्यांच्याबरोबर राहणार आहे आणि पूर्ण मुंबईमध्ये आम्ही चांगल्या प्रकारची ताकद ह्या ठिकाणी निर्माण करून येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये चांगल्या प्रकारचा रिपोर्ट, चांगल्या प्रकारचं चालना करण्याचा आमचा प्रयत्न। पहले तो मैं आप सभी लोग का धन्यवाद करता हूँ और हमारे महाराष्ट्र के असंगठित कामगार के महाराष्ट्र अध्यक्ष रावसाहेब दारकुंडे, मुश्ताक भाई, इम्तियाज़ भाई, मयूर भाई दाबुलकर और मेरे सारे शेख फाउंडेशन के मित्रगण और आप मीडिया टीम, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे इस जन्मदिन पर आप सब लोग आए। और जैसा आपने अभी सवाल किया कि जितने ये जो नॉर्थ वेस्ट की जो हमारी जो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, तो ये जो मेलावा जो हमने छोटा सा एक मेरे बर्थडे के निमित्त में सब लोग का ऐसा एक था कि भाई अन्ना आपका बर्थडे है तो हम एक छोटा सा एक साजरा करेंगे बर्थडे को, क्योंकि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं अपने संगठित के, तो मैं बोला ठीक है क्यों नहीं, एक छोटा सा फंक्शन रखेंगे अपन लोग करके। और 1 तारीख को हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष के बर्थडे, तो बोले उनका बर्थडे और आपका बर्थडे साथ में मिलाएंगे करके। तो यहाँ पर जो आपने जो जनसंख्या देखी है आपने, ये यहाँ के हमारे पवार साहब का कार्यकर्ता है, हम सब उनके कार्यकर्ता है, पवार साहब के मार्गदर्शन में, साहब के आशीर्वाद से हमने ये छोटा सा एक गेट टुगेदर पार्टी रखा है हमने, जहाँ पर हमने एक वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसको बोलते, जिसमें सब लोग सब पार्टी कार्यकर्ता को एक जगह मिल के साहब के गाइडेंस में, जैसे साहब ने मार्गदर्शन दिया हमको कि हम आगे वाली चुनाव में क्या क्या काम करेंगे और इस हमारे वर्सोवा विधानसभा में हम और कितना अच्छा क्षेत्र में काम प्रदान करेंगे, जहाँ पर हमारे इम्तियाज़ भाई है, महबूब भाई है, मुश्ताक भाई है, इन सब का हम साथ लेके साहब के मार्गदर्शन में हम आगे काम करेंगे। और बस यही मैं आप लोग सब लोग का शुक्रिया। और देवा भाई हमारे मेरे से छोटे,
बट मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार उनको इनके जन्मदिन की अवसर पर। और बधाई के अलावा मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो एक पीपल्स मैन है, जैसे लोगों में रहते हैं वो साथ में, तो लोग ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं उनसे। तो शायद से ऐसे शायद बोलना बहुत गलत होगा, लेकिन मैं फ्यूचर नेता, अच्छा वाला नेता इनमें देखता हूँ। और बैकबोन तो हमेशा बैकबोन होती है, तो हमेशा सपोर्ट तो ज़िंदगी भर रहेगा। वो अलग पॉलिटिक्स के अलावा भी एक अलग प्यार है हमारा दोनों के बीच में, वो अलग रैपो चलते रहता है, हमारा बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग हमारा है और हमेशा रहेगा। और ऐसे ही आप सबका प्यार हमारे लिए रहे, इसकी ही अपेक्षा करता हूँ। चलिए, विश्वास।